हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपने सूजी का हलवा तो बहुत खाया होगा, पर आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है मडवे का एकदम गर्मा गर्म और एकदम लजीज हलवा। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में हम जो हमारा मडवे का आटा होता है वो ले लेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी मडवे का आटा लिया है और उसे हम पहले भून लेंगे अच्छे से। इसे हमने तब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाती। जब इसमें से खुशबू आने लग जाएगी उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। घी हमने पहले यूज नहीं कर रखा है इसमें, क्योंकि अगर हम घी पहले यूज करेंगे तो ये घी ज़्यादा लगता है इसमें। तो हमने इसे भुनने के बाद इसमें घी डालना है। देखिए, हमने 2 चम्मच अभी घी डाल दिया है। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर हमको बाद में अगर घी कम लगेगा तो हम इसमें 1 चम्मच घी और डाल देंगे। ये देखिए, आपको इसे चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है मडवे का जो हलवा है। मडवा ऑलरेडी गर्म होता है। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम हो गई थी घी की, तो हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया है और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे भुनने में 9 से 10 मिनट लगते हैं आपको। ये अच्छे से भुन जाता है। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देना है और हमने यहाँ पर गुड़ का यूज कर रखा है, हमने यहाँ पर चीनी का यूज नहीं करा है, क्योंकि गुड़ हमारे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी अच्छा होता है, तो इसे वो आराम से खा सकते हैं। ये देखिए, इस गुड़ को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एकदम चॉकलेटी लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए। उसके बाद हम इसमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स काटे थे हमने, बादाम काजू, वो इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने यहाँ पर छोटे गिलास से 1.5 गिलास पानी लिया है हमने यहाँ पर। अब इसको हम पानी के साथ पकाएंगे। ये देखिए, ये अच्छे से हम मिला लेंगे। पानी डालने के बाद इसे पकने में 6 से 7 मिनट लगते हैं। इसे हमने तब तक पकाना है जब तक जो हमारा हलवा है वो कढ़ाई न छोड़ दे। अभी देखना फ्रेंड्स कितना लजीज होता है। अभी देखिए, इसे हमने ऐसे ही पकाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो है अब कढ़ाई छोड़ने लग गया है जो हमारा हलवा है। ये देखिए एकदम चॉकलेट की तरह लग रहा है। एक बार आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है ये। तो हमारा हलवा जो है बनके तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए, तो आइए हम इसे अब सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।